क्या फ्रेंड्स आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट किसी प्रॉब्लम की वजह से डिसेबल या डीएक्टिवेट हो गया है और आप भी चाहते हैं अपने पुराने वाले अकाउंट जो डीएक्टिवेट या डिसेबल हो गया उसे यूज़ करना, क्योंकि फ्रेंड्स उस आपके पुराने वाले अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, तो आप भी ज़रूर चाहते होंगे कि आपका जो पुराना अकाउंट डिसेबल हो गया है वो वापस से लॉग इन हो जाए, वापस से आप उसे यूज़ कर पाएँ। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं बताऊँगा पूरा कम्प्लीटली कि ये किस वजह से डिसेबल हो जाता है और इसको वापस कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको पूरा वीडियो कम्प्लीटली देखना होगा, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। मैं हूं अंकित शर्मा, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मास्टरमाइंड अंकित में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाली जो प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम की, ये इन दिनों काफ़ी देखी जा रही है। आपका भी या आपके किसी फ्रेंड का भी इन दिनों ये इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर डिसेबल हुआ होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम इन दिनों काफ़ी देखी जा रही है। और मेरा भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डिसेबल हो गया था, मैंने उसे वापस एक्टिवेट कर लिया है। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा पूरा प्रोसेस कि आपको कैसे एक्टिवेट करना है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपका किस वजह से डिसेबल हो जाता है या किस वजह से डीएक्टिवेट हो जाता है उस पर। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैसेज, और इसी के साथ फ्रेंड्स काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी करा था कि भाई इंस्टाग्राम डिसेबल हो गया है उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो फ्रेंड्स ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी से कह सकते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल क्यों हो रहा है इन दिनों और इसके पीछे क्या राज है और क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी आज से 3 महीने पहले अपने आईटी मिनिस्टर ने कुछ टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करे थे सोशल मीडिया को लेकर। तो फ्रेंड्स उन वजह से अपने जो भी इंस्टाग्राम पे या तो कोई न्यूड फोटो या न्यूड वीडियोस अपलोड करता है या कोई शेयर करता है उसकी वजह से फ्रेंड्स अभी इन दिनों ये इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल का ज़्यादा देखा जा रहा है। और फ्रेंड्स इसी के साथ में आप अपने फेक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी आपका इंस्टाग्राम बैन हो सकता है या डिसेबल हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स सोशल मीडिया को लेके अपने इंडिया के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए गए हैं। ये चलते आप अगर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कुछ भी न्यूड फोटो या अडल्ट फोटोज़ या अडल्ट वीडियोस आप एक दूसरे को शेयर करते हैं तो उसे ओपन करते ही आपने देखा होगा कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट या तो 24 आवर्स के लिए डिसेबल कर दिया जाता है या 30 डेज़ के लिए डिसेबल कर दिया जाता है या परमानेंटली भी डिसेबल कर दिया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक या पबजी के साथ लिंक है तो इंस्टाग्राम के साथ साथ आपका पबजी और फेसबुक अकाउंट वो भी डिसेबल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा अवेयर हो जाइए, जितने भी आपके इंस्टाग्राम के ऊपर न्यूड वीडियोज़ या न्यूड फोटोज़ आती है उन्हें आप शेयर ना कीजिए। और फ्रेंड्स जितने भी ये फेक साइट्स हैं फॉलोअर्स इंक्रीज करने की वो उन साइट्स का आप यूज़ ना कीजिए। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ बातें थी कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल क्यों होता है या डीएक्टिवेट क्यों होता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट वापस कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपना डिसेबल अकाउंट वापस से कैसे एक्टिवेट करा था, इसके लिए फ्रेंड्स चलना होगा आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा कम्प्लीटली प्रोसेस कि आपको कैसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वापस से एक्टिवेट करना है। तो चलिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। उससे पहले अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है अगले नए वीडियोस के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और चलिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर मैं बताता हूँ कम्प्लीटली प्रोसेस कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है माई इंस्टाग्राम अकाउंट वॉज डीएक्टिवेट, उसके बाद में जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी सिंपली उसको पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप ये क्लिक करोगे तो आप सीधा इंस्टाग्राम के हेल्प सेंटर पे चले जाओगे। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक फॉर्म देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे, उसको फ्रेंड्स आपको कम्प्लीटली उसकी गाइडलाइन को रीड कर लेना है। अगर आप फ्रेंड्स जैसे आप कम्युनिटी गाइडलाइन को पूरा कंप्लीट पढ़ोगे तो आपको सिंपली फॉर्म फिलअप कर देना है। अगर फ्रेंड्स इंस्टाग्राम के ऊपर आपने कोई भी न्यूड फोटो या कोई भी न्यूड वीडियो शेयर नहीं किया होगा तो फ्रेंड्स आपका डेफिनेटली आपका अकाउंट वापस आपको मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपने कोई भी न्यूड फोटो या कोई भी न्यूड वीडियोस को शेयर किया है तो आपका इंस्टाग्राम आपको वापस नहीं मिलेगा, आपका इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट ही रहेगा। फिर भी फ्रेंड्स अब आपको अगर लगता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आप ये फॉर्म पूरा फिलअप कर सकते हैं। आपको सिंपली फर्स्ट के अंदर आपका फुल नेम लिख देना है, फिर जो आपका यूज़र नेम था वो लिख देना है, और फ्रेंड्स जो इसके अंदर फ्रेंड जो ईमेल आईडी डाली है वो आपकी खुद की ईमेल आईडी डाली है जिससे आपने इंस्टाग्राम बना रखा था वो ईमेल आईडी, और या फिर आपने अगर मोबाइल नंबर से इंस्टाग्राम आईडी बना रखी थी तो वो इंस्टाग्राम आईडी आपको
उसके बाद में जैसे ही फ्रेंड्स आप ये जितनी भी आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यूज़र नेम और अपना फुल नेम, जैसे आप ये पूरा फॉर्म कंप्लीट करोगे उसके बाद में आपको चेक करना है कि आपका फुल नेम सही है, यूज़र नेम सही है, आपने जो ईमेल आईडी इसके अंदर फिलअप करी है वो सही है या आपका जो आपने मोबाइल नंबर दिया है वो भी सही है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये पूरा चेक करने के बाद में आपको सिंपली ये सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स इसके जस्ट 24 आवर्स बाद आपके पास इंस्टाग्राम की तरफ से एक मेल आएगा, उसके अंदर आपको पूरा कम्प्लीटली लिखा हुआ होगा कि आपका इंस्टाग्राम क्यों डीएक्टिवेट कर दिया गया था। अगर आपका इंस्टाग्राम मिस्टेकली डीएक्टिवेट कर दिया गया था तो वो आपके पास कुछ आपका या तो आधार कार्ड मांगेंगे या पैन कार्ड मांगेंगे या आपकी एक सेल्फी अपलोड करनी होगी उस ईमेल के अंदर अटैच करके उनको सेंड करनी होगी। तो फ्रेंड्स जैसे आप इतना कर दोगे तो आपका इंस्टाग्राम डेफिनेटली आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स कर देना है और आपका विथ इन 24 आवर्स में आपका इंस्टाग्राम वापस आपको मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरीज आई है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फ्रेंड्स अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप सिंपली जाके वहाँ से मुझे फॉलो कीजिए और मुझसे बात करनी हो तो मुझे मैसेज करिए। और फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।